मुंबई मध्ये आता मेट्रो मोनोनंतर रोपवेनं वाहतूक सुरू होणार आहे. शिवडी न्हावाशेवा उरण रोपवेनं जोडणार आहे. मुलुंड बोरिवली अंतर अवघ्या 10 मिनिटात मुंबईकर आता पार करू शकणार आहे. मुंबईकरांसाठी वाहतुकीचा आता एक नवीन पर्याय खुला झालेला आहे. वांद्रे बीकेसी वाशी बेलापूर रोपवे होणार आहे. मेट्रो आणि मोनोपाठोपाठ आता मुंबईमध्ये रोपवे वाहतूक सुरू होणार आहे. सुरुवातीला शिवडी न्हावाशेवा अशी वाहतूक सुरू करण्यात येईल आणि त्यानंतर या रोपवेचा उरणपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. तर कसा असेल हा रोपवे याची एक्सक्लुसिव्ह माहिती झी24 तासकडे उपलब्ध झाली आहे. मुंबईमध्ये वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी या रोपवेचा नवा पर्याय सुचवण्यात आलेला आहे. भविष्यात वांद्रे बीकेसी कुर्ला वाशी बेलापूर अशा अनेक मार्गांवर रोपवे सुरू करण्याचा विचार आहे. मुलुंड ते बोरिवली हे अंतर देखील रोपवेमुळे केवळ 10 मिनिटात पार करता येणार आहे. वाहतुकीच्या या नव्या पर्यायाबद्दल आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर यांनी इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अनुप अग्रवाल यांच्याशी केलेली खास बातचीत पाहूया. इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशनचे MD अनुप अग्रवाल सर आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करतोय. सर, आने वाले दिनों में रोपवे जो है वो ट्रांसपोर्ट का एक नया माध्यम बन जाएगा, तो क्या उसके बारे में जानकारी है? जहाँ पे दूर दराज के हिली एरियाज हैं, जहाँ पे कि सामान ले आने की व्यवस्था नहीं है, यात्री भी नहीं पहुँच पाते हैं, और टूरिस्ट प्रमोशन के लिए भी रोपवे बहुत ही कामयाब सिद्ध हो सकता है. और शहरों में टाइप 2 शहरों में भी यहाँ पे कि जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 5 से 6 हज़ार व्यक्ति पर घंटा चाहिए, रोपवे बहुत ही सिद्ध हो सकता है. और ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है और फाइनेंशियली वायबल भी है. सर, खास करके हम मुंबई की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, तो क्या रेल हो मेट्रो हो उसके साथ हमें ये रोपवे दिखाई देंगे? मुलुंड से आपको बोरीवली जाना है तो बहुत लंबा रूट लेना पड़ता है, तो उसका भी एक स्टडी किया जा रहा है कि संजय गांधी नेशनल पार्क के ऊपर से रोपवे ले जाकर मुलुंड से बोरीवली की जो दूरी है वो अभी 1.5 घंटा लगता है, वो 10 मिनट में पूरी की जा सकती है. इसी तरह से बांद्रा से कुल्ला वाया बीकेसी भी रोपवे बन सकती है. सर, एक और प्रोजेक्ट है शिवडी से न्हावाशेवा, तो वो भी रोपवे से कनेक्ट किया जाने वाला है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को ये कार्य दिया गया है, क्योंकि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो भूमि है वो शिवडी में है, उधर एलिफेंटा केव्स में भी है. तो शिवडी से एलिफेंटा केव्स का खर्चा करीब 500 करोड़ आएगा, और ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है. इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, उसमें 2 एजेंसी शॉर्टलिस्ट हुई है, उसके आगे डिटेल्ड टेंडर करने के लिए प्रक्रिया चालू है, और ये कार्य मेरे विचार से अगले 6 महीने में पूर्ण हो जाएगा. शुक्रिया सर ये पूरी बातचीत करने के लिए. वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत कोचरेकर सर, देवेंद्र कुलटकर, जी मीडिया, मुंबई. झी24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.